अगले समय नमाज पढ़ने का। जिस तरीके से हम दुनियावी अफसरान के यहाँ जाने के सारे आदाब मालूम करते हैं, खिड़की खोल दो, ऊपर वाला भी चालू है, ऊपर करो, करते हैं ना आदाब, हैं? अफसरान से मिलने के आदाब मालूम करते हैं कि किस वक्त मिलना है, हैं? और वो कब वक्त देंगे, और बड़े ही भाई आने वाले बैठ जाएं, सुन्नत पढ़ने का बादे मौका दिया जाएगा। कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो उस वक्त तेज आवाज से तिलावत करना भी मना है, नहीं मना है, कहाँ गए भाई मुफ्ती साहब, चलिए हैं? तो इसलिए अब ये तो माइक की बात है, ये होना चाहिए। मैंने कहा था जब पता चला, बयान आप लोग शुरू कीजिए, बाद में 5 मिनट सुन्नत पढ़ने का मौका दे दीजिए, 2 बजे खुतबा 1:55 में खत्म कर दीजिए। होता है हम शहरों मस्जिदों में इसका बहरान, क्या कह रहे थे, कहाँ लोगों से बातें, बड़े लोगों से मिलने के लिए, हाँ आदाब होते हैं, और आदमी खूब साफ सुथरा जाता है, नहीं जाता भाई कहीं हमारी बदबू से या कहीं हमारे बेढंगे लिबास से उसको तकलीफ ना हो। ये किसका भाई, मोबाइल बंद कर दो या साइलेंट कर दो, ये किसका दरबार है, अल्लाह अल्लाह का दरबार है, तो यहाँ भी आने के आदाब है, हैं? ये नहीं कि आए तो एक दो आदमी वहाँ बैठे हैं, 3 आदमी वहाँ बैठे हैं, नहीं सफों में बैठे हैं और साफ सुथरे आता है, खुशबू लगा के आए हैं, दाढ़ी का रमवा वज़ जो भाई आइए सुन्नत बाद में पढ़िएगा, दाढ़ी का रमवा वज़ जब तशरीफ ले जाते तो बहुत ही एहतमाम से, और यही नहीं जिसके दरबार में जा रहे हैं उनका चेहरा फक हो जाता उसके डर से और खौफ से, किसके भाई, हाँ किसके दरबार में, अल्लाह के। और जितनी बकवास होती है हम नहीं करते, बैठ गए 2-3 जब नमाज से पहले या वो तो सारी गुफ्तगू, बहरहाल अल्लाह हम सब को अपने घर के आदाब की, आदाब करने की, अदब करने की तौफीक अता फरमाए, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। चलिए बात ये तो ऊपर की हो गई, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج جمعة کا دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے جس کا एक आलिम कहते हैं, लिखते हैं कि जिसका जुमा अच्छा गुजरा, जुमा का दिन उसका हफ्ता अच्छा गुजरेगा, और जिसका रमजान मुबारक अच्छा गुजरा, अच्छा मतलब आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने में, तो उसका पूरा साल अच्छा गुजरेगा। और
जिसका हज अच्छा गुजरा यानी शरीयत सुन्नत के मुताबिक उसकी पूरी जिंदगी अच्छी रहेगी। आज अल्लाह ने ये मुबारक दिन अता फरमाया है। इस दिन में आज के दिन एक घड़ी ऐसी है कि उस वक्त दुआ कबूल होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अमल छोटा हो या बड़ा, नमाज फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, रोजा फर्ज हो, नफल हो या कजा हो, ऐसे ही ज़कात फर्ज या सदका खैरात, कोई भी अमल हो, अगर नीयत ठीक होगी तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। अल्लाह के यहाँ कबूल है, चाहे अमल थोड़ा हो, और अगर बहुत ज्यादा अमल है लेकिन नीयत में खोट है, नीयत में मिलावट है, तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। पहले किताब पढ़ाई जाती थी फारसी की, अखलाक मोहसिनी, शायद नई पीढ़ी को नाम भी नहीं सुनी होगी, देखो और आँख भाग के देख रहे हैं, फारसी की किताब है, जैसे गुलिस्ता है, दोस्ता है, ऐसे वो भी है, जो हमने पढ़ा है उसमें लिखा है, नीयत का असर देखिए। एक बादशाह शिकार के लिए निकला, पहले बादशाह लोग शिकार के लिए निकलते थे जंगलों में, पहले बादशाह शिकार के लिए निकलते थे, वहां जो है बादशाह निकल जाते जाते जंगल में रास्ता भटक गया तो जाते जाते देखा एक अनार का बाग है। क्या भाई अनार का, पहुंच गया वहां, अब जाहिर बात है काफिले से आदमी भटक गया, अब चूंकि बादशाह सारी उसकी जरूरियात की चीजें वहां पर उसके गुलाम और जो भी उनके साथ पहुंचा, तो जो बाग वाले थे उनसे कहा प्यास लगी है। क्या कहा? प्यास लगी है, तो गए वो जल्दी से एक गिलास अनार का जूस लेके आए, बादशाह ने पी लिया। जब तली पहुंची तो कुछ ख्यालात भी बदल गए, पेट भरता है तो नहीं होता भाई, ख्यालात बदल जाते हैं। तो बादशाह ने सोचा इतना बड़ा बाग है और मेरी हुकूमत में पता नहीं कितने बाग हो गए, अगर मैं टैक्स लगाऊं तो हुकूमत के खजाने में बहुत पैसे आएंगे। ये उसके दिल में ख्याल आया, उसने जो है जाहिर नहीं किया। फिर थोड़ी देर बैठा रहा, उन साहब से कहा एक गिलास और पिला दीजिए। उन्होंने अनार थोड़े, पहले तो एक अनार में गिलास भर गया था, कई तोड़ के तोड़े, तब ले आए। देर हुई बादशाह ने, और सामने वाला भी नहीं जानता ये बादशाह है, कहा बहुत देर हो गई। तो बाग वाले कहते हैं कि लगता है कि हमारे बादशाह की नीयत बदल गई। वाह, जमाने के माली और बाग वाले भी हुआ करते थे, है कैसे वो लोग होते थे, है कहते हैं किसी जमाने में दारुल उलूम देवबंद का चपरासी भी अल्लाह का वली हुआ करता था, किसी जमाने में गंगोह के तालाब में जब कपड़े धोते थे धोबी,
गर्दन पटक देते तो वहां से वो लोग जरबे लगाते थे, अल्लाह अल्लाह की पूरा गूंज जाता था। ये भी एक माहौल था। उस बाग वाले ने क्या कहा, भाई लगता है मेरे बादशाह की नीयत बदल गई है। बादशाह ने कहा, अभी मैंने किसी से कहा भी नहीं, किसी से उसका इजहार भी नहीं किया है, किसी से कुछ नहीं कहा, और ये कह रहे नीयत बदल गई। तो बादशाह भी उस जमाने के बड़े होशियार होते थे, पी लिया, थोड़ी देर बैठे रहे, कहा भाई अब चलने का इरादा है, गिलास और पिला दो। क्या कहा, इम्तिहान लेने के लिए गए वो बाग वाले, और एक ही अनार में गिलास भर गया, ले आए हंसते हुए आए। इधर बादशाह ने नीयत दुरुस्त कर ली और कहा कि लगता है हमारे बादशाह की नीयत बदल गई। तो नीयत का इतना असर होता है। बुखारी शरीफ की जो मैंने हदीस पढ़ी है, क्या इन नमल आमाल बिन नियत, अगर नीयत दुरुस्त होगी तो हर अमल दुरुस्त होगा और अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। क्या हदीस में हम नहीं सुनते, कोई मालदार और कोई मुजाहिद और कोई अलम दीन की खिदमत करने वाला, तीनों मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त कम हो रहा भाई, सामने क्या घड़ी क्या हो रही, सामने खड़ी रहनी चाहिए छोटी। तो तीनों को अगर कयामत में लाया जाएगा, कितने बड़े बड़े अमल हैं, कितना पैसा खर्च किया, जान कुर्बान कर दिया, इल्म से सैराब किया लोगों को, लेकिन उसमें नियत के अंदर फुतूर था, खोर थी। अल्लाह का हुक्म होगा, जिसके लिए किया था वहां बदला मिल चुका, इनको औदे मुंह घसीटो और जहन्नम में ले जाओ। वहां हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह चाहे किसी भी अमल की तौफीक दे तो हम अल्लाह के लिए करें। चाहे वो मैंने कह दिया शुरू में, माली एतबार से, बदनी आबादा से, तो अल्लाह के लिए। उसमें वजन होता है, उसमें वजन, वो वजन हमको और आपको जब सारे वजन बेकार होंगे तब काम आएगा, जब सारी चीजें हमारी खुल जाएंगी। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى। आपने जमीन पर जर्रा के बराबर भी कहीं भी खैर किया होगा वो भी जाहिर हो जाएगा, कहीं शर किया होगा जर्रे के बराबर वो भी जाहिर हो जाएगा। आता है इंसान वहां भी चालबाजी करेगा ना, भाई टाइम हो गया हो जाएगा बता देना, बहुत चालबाज है इंसान, वहां भी कहेगा कुछ कैसे होता है, कहता हमने नहीं कहा है, नहीं किया है। आता है उसके मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, सबसे पहले बाईरान हमारे और आपके खिलाफ गवाही देगी। ये जिस जिसकी लज्जत के लिए आज हम गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करके उसकी जमीन पर दंदनाते हुए चलते हैं और उसकी जो नेमतों को इस्तेमाल करते हुए गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, ये यही जिस्म, यही आग, यही हार, यही पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसने हमको इस्तेमाल किया था गुनाह के लिए, न समझे क्या भाई कुरान में, के ये मत समझो दुनिया में ये भी बेकार पैदा किया है, किया गया है, वह हिसाब किताब होगा, पूछ गछ होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अपनी जानत आयशा से, के कल कयामत में
जिससे पूछ गच्छ हो गई, क्यों चिरा हो गई, वह हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जनाब आका सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे बड़ा बखील और कंजूस वो है, और कह लीजिए महामारे में मक्खी चूस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए दुरूद शरीफ न पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल कयामत में जिससे पूछ गछ हो गई वो हलाक हो गया। हाँ ये कह रहा था आप बख्शे बख्शाए हैं। ये दुनिया की ये चहचहाती और लहलाती ये सारी चीजें आबादियां ये बादल ये आसमान जमीन सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल बनाई गई। आपको न पैदा करना होता तो दुनिया न बनाई जाती, दुनिया नहीं बनाई जाती। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए रोते रोते, बहरहाल तफसील का मौका नहीं, आपकी जबान से कहा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने कहा ये कहाँ दे दिया, कहा मैंने वहाँ देखा था अर्श पर, मैं समझ गया था कि कोई ऐसी जात पैदा होने वाली है के जिसके साथ नाम के साथ अल्लाह ने अपना भी नाम रखा है। अल्लाह ने शाह तुम्हारे आदम अलैहिस्सलाम अगर वो तुम्हारी औलाद में से होंगे, लेकिन अगर उनको न पैदा करना होता तो तुमको भी न पैदा करता। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आप क्या दुआ पढ़ते थे, उलमाए कराम मौजूद हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबै यसीरा, है ना भाई, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। तो हम लोग में क्या होगा भाई है। और यही नहीं, आप इरशाद फरमाते थे मैं अल्लाह के फजल से जन्नत में जाऊंगा है अपनी इबादत पर। अल्लाह किसी भी इबादत की तौफीक दे बदनी माली, नहीं नाज नहीं न्याज पैदा होना चाहिए, नाज नहीं न्याज पैदा हो, इबादत से झुकाव पैदा हो, तवाज़ो इंकिसारी पैदा हो। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चूंकि आज जुमा है उमूमी मजमा है, आप लोग जिस तरीके से जुमा में तशरीफ लाए हैं अपने अपने मकाम पर जहाँ भी रहते हो पंज वक्ता नमाज जमात से पढ़ें, घरों में इसका जरूर तस्करा करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लफ्ज़ आखिरी जरूर लगाएं बच्चों के सामने ताकि उनके कानों में बचपन से आवाजें टकराए, वरना हालात बड़े नागुफ्ता भी हैं। औरतों के सामने हम खेत में कहीं हैं वो जाल फेंके हुए हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और बच्चों को दीन की जो है बातें और दीन सिखलाने के लिए ये जो हमारी और आपकी हिफाजत के किले हैं मकतब में भेजे हैं, हो गया टाइम अन्य टाइम भी गया, कैसे दो दिया है, दो बजने वाला ना, तब भाई है इजाजत भाई, पहले इनसे पूछिए जो आए ना, आप तो कह रहे हैं बेचारे जो आए, इजाजत है आप लोगों की तरफ से, अरे बोलिए, नहीं हो तो बस खत्म किया जाए। आए अरे आपने पीछे जो बैठे लगे मुस्कुरा रहे हैं लोग, आए मोमिन का मुस्कुराना भी क्या है, अज़हकल्लाह सिन्न, अरे आमीन तो कहा यार, दुआ है जब मोमिन हंसे तो उसको दुआ देना चाहिए, क्या
अस्कल्लाहु सिन्नक, अल्लाह तुमको हंसता रखे दुनिया में भी और दुनिया से जाते वक्त भी और आखिरत में। ये जो मकातिब है ये किले हैं। एक मुल्क में एक शख्स मदरसे में गए, जाहिरन पता नहीं चलता था कि वो ईमान वाले हैं, और कई खोखा जानते हैं ना, बेटी समझते हैं नहीं, हाँ खोखा करोड़ का चेक बना के मदरसे में दिया, और मदरसे वालों ने कहा कि रसीद वगैरह या कुछ, फिर उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया कि जब कभी हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। नाम पूजा का नाम की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ ये मदरसे जब तक रहेंगे तो मेरे मुल्क में अमन अमान कायम रहेगा, अमन अमान कायम रहेगा, कोई मामूली चीज़ें नहीं है। और घर में दीनी तालीम का तस्करा कीजिए, हदीस पढ़िए, ज़कात इजाब करके मैं आपकी सफर में बार बार कहता हूँ, ज़कात हिसाब करके निकालिए, अलग टप्पू मत निकालिए, अदा नहीं होती उलमा से मसाइल पूछिए, और अल्लाह गुंजाइश से हज की तरतीब बनाइए, नीयत कीजिए। ये नहीं क्या होता है भाई, शादी करने बना की मकान बनाने फिर रह जाता है, और वालिद के इंतकाल के बाद जिस तरीके से भाइयों का हक है बहनों का भी हक है, शरई हिस्सा तकसीम कीजिए, उलमा से हिसाब पूछ कर, वरना अगर आप नहीं देंगे जिंदगी भर हराम खाएंगे, हराम छोड़ देंगे, पूछ लीजिए, जैसे हमारा और आपका हक है ऐसे उनका भी अल्लाह ने मुकर्रर किया है। और कहते हैं क्या बहन ने तो माफ कर दिया, भाई बाल क्या कहते हैं बहन ने माफ कर दिया, तो आप भी अपना हक जरा माफ करके दिखाओ ना, भाई को दे दो, हाँ तब पता चलेगा। करते हैं बल्कि एक आध बारिश कम हो तो खींचा तानी सीधे पर हो जाती है, नहीं होती भाई, लड़ाई हो जाती है, एक बारिश एक हाथ के लिए मुकदमे ऐसा चलते हैं कि उसकी उस जमीन का कई गुना कीमत मुकदमे में खर्च हो जाती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, एक जगह पर बहुत ही दीनदार खानदान, बहुत ही मालदार, यानी बहुत मालदार, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अक्सर अकाबरीन उनके यहाँ आते जाते थे, क़याम भी करते थे, और उनके यहाँ उलमा भी हैं सब। ऐसे ही कई साल पहले तस्करा हुआ, अरे बहनों का भी हक है, किसी ने बताया नहीं, तो उन बेचारों ने हिसाब लगाया, चूंकि कंपनियाँ हैं फैक्ट्रियाँ हैं, तो आप एक बैग नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा अदा कीजिए, तो बहनों को हक दीजिए, देंगे भाई या जो दे दिए बहुत अच्छी बात, नहीं देंगे अरे बोलिए, हाँ देने में खाली नहीं, अरे लेने में नहीं सिर्फ देने, हाँ देने वाला हाथ अच्छा है लेने वाले से, वो तो हक है भाई। और दूसरी चीज, दूसरी चीज, जिस वालिद की विरासत पर हम काबिज हैं, हम जो जिस वालिद की विरासत पर हम जो है काबिज हैं, उसको भी जाने के बाद याद रखें, सारे सवाब करें। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तफसील हर बात का मौका नहीं है, आपस में मोहब्बत कायम करें, या आबादी आपस में मेल मोहब्बत हो, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, उखुव्वत हो, दिली मोहब्बत हो, जैसे सहाबी जैसी जबान वैसा दिल, जैसा दिल वैसी जबान, साफ सुथरी बात आपस में। अगर आपस में इत्तेहाद और उखुव्वत है, कोई आंख नहीं दिखा सकता, अगर चार ही भाई हैं तो आदमी सोचता है कि नहीं, अरे चारों तो एक हैं,
है मौलाना, और जहां भी वो रस्सी है अगर वो मुड़ी हुई है तो ताकत लगेगी, जहां वो निकली तो कोई भी तोड़ देगा। इसलिए आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, गरीबों की हमदर्दी, बेवाओं की हमदर्दी, यतीमों की किफालत, भाई गांव में जरूरतमंद कोई हो उसके लिए एक वो बनाइए, डब्बे बनाइए, कुछ काम करके जाइए, दुनिया से जाइए। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गया बस ना, 5 मिनट हो गया बस। हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। तो आप ऐसे अमल करके जाइए कि लोगों के दिल से दुआएं निकलें, और वो कब्र का जो बेडरूम है, यहाँ के बेडरूम के लिए एसी पंखा करते ना भाई, आदमी अपनी इस्तेआत के मुताबिक इंतजाम करता है, ऐसे वहां भी इन चीजों की जरूरत है। तो दिलों से जब दुआ निकलेंगी सारे इंतजाम हो जाएंगे। शर्त यह है अल्लाह को नाराज मत कीजिए, इत्तबाए शरीयत, इत्तबाए सुन्नत पर अपनी जिंदगी को ढालिए, अपनी औलादों को, घर वालों की दीनी तरबियत की फिक्र कीजिए, ताकि वह हमारे लिए बाइस से अजर हों। और ये मदारिस, मसाजिद पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनका भी ख्याल कीजिए इस महंगाई के दौर में। हम उतने पैसों में अपना खर्च नहीं पूरा कर सकते। बस एक साहब को लतीफा, एक साहब ने कहा इमाम साहब कितनी तनख्वाह है, ऐसा था तसा बस दाद के बड़े मजेदार थे। तो मैंने कहा आपका पैसा तो बरकत वाला है। कैसा भाई? बरकत वाला। और सामने उनकी कितना थी? 80,000। इमाम साहब ये आलिम तो होशियार होता ना, कहा भाई ऐसा है आप ये बरकत वाला पैसा ले लीजिए, वो हमको दे दीजिए, चलाइए तब पता चलेगा। भाई ये जबाने नहीं खोलते लेकिन इनकी दिल की आए हमारे लिए नुकसानदेह होंगी। अल्लाह जब शान हम सबको अल्लाह के अवामिर पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक दें, और दुआ कीजिए सबके लिए, हमारे लिए भी, सारी उम्मत के लिए, जिनकी सुन्नतें बाकी है ना भाई, इजाजत। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.